नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डेनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालिया। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 250 सीटों में से 134 और भाजपा को 104 सीटें मिली थी। इस तरह से आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद अब मेयर पद के चुनाव के लिए उठापटक होगी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपने शैली ओब्रॉय को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही डिप्टी मेयर उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल होंगे। बता दें, शैली ओब्रॉय पटेल नगर विधानसभा के वार्ड 86 से पार्षद है, वहीं मोहम्मद इकबाल मटिया महल के वार्ड 76 से पार्षद है। बता दें आपको कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 250 सीटों में से 134 और भाजपा को 104 सीटें मिली हैं। आंकड़ों को देखें तो इस समय आपके पास बहुमत है, लेकिन बीजेपी एमसीडी में अपना मेयर बनाने का दावा कर रही है। इस लिहाज से लड़ाई रोचक हो गई है। आगामी 6 जनवरी 2023 को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक होनी है। इसी में मेयर और डिप्टी मेयर पर फैसला होगा। आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद को लेकर पार्टी की पीएससी की बैठक हुई। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई गई है। आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने बताया कि आपने दिल्ली में मेयर पद के लिए शैली ओब्रॉय को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल को आपने डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।